देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो। कोरोना की डुप्लीकेट रिपोर्ट बनाना पड़ा महंगा। कोरोना की फेक RT-PCR रिपोर्ट बनाने वाले हुए गिरफ्तार। भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की पुलिस ने कोरोना की फेक नेगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने वाले 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भिवंडी के पिरानी पाड़ा के महफूज पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में ये सारा खेल चल रहा था, जहां से सैकड़ों लोगों को बिना चेकअप किए ही सिर्फ 500 रुपये में कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट दी जा रही थी, जिसके खबर लगते ही भिवंडी क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होनमाने ने अपने आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में जाल बिछाकर 4 लोगों को धर दबोचा। आइए देखते हैं सीनियर PI अशोक होनमाने ने क्या कहा। भिवंडी से हमारे महा इंडिया न्यूज़ के प्रतिनिधि की रिपोर्ट। हमें एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई कि गैबी नगर शांतिनगर इलाके में एक महफूज लैब है। वो लैब में एक COVID-19 महामारी के बारे में जो RT-PCR की टेस्ट है, वो टेस्ट के रिपोर्ट्स वहाँ से डुप्लीकेट बनाते हुए लोगों को दिए जाते हैं। वो हम छानबीन करने के लिए, उसकी खातर जमा करने के लिए हमने वरिष्ठ ऑफिसर्स के डायरेक्शन के अनुसार या मनपा के वैद्यकीय ऑफिसर हैं और 2 शासकीय पंचायत के साथ में हम जाके वहाँ एक डमी एक कस्टमर को भेज के हमने वहाँ कार्रवाई किया। तभी वो डमी कस्टमर को तुरंत 2-3 घंटे के अंदर उनको RT-PCR एक COVID-19 का रिपोर्ट, उनको बिना उनका स्वैब लेके, कोई भी सैंपल नहीं लिया या स्वैब नहीं लिया, और उनको तुरंत उनको टेस्ट रिपोर्ट दे दिया, उसमें निगेटिव दे दिया। वो भी, वो लैब का नाम है महफूज क्लिनिकल लेबोरेटरी, लेकिन उन्होंने जो पेपर यूज़ किया वो थायरॉइड केयर लैब है, जो नामांकित है, एक वेल नोन एक लैब है ऑल इंडिया में। वो लैब का लेटर हेड पे न्यू मुंबई का उनका MIDC तुर्वे के जुरिडिक्शन में उनका ऑफिस है, वहाँ का उनको रिपोर्ट दे दिया। हमने तुरंत वहाँ उन छानबीन करके वो लोगों को ताबे में ले लिया। वहाँ टेक्नीशियन मिल गया जो उनके पास में, और वहाँ का मैनेजिंग का काम करने वाला, उनके पास हमने तहकीकात करने के बाद में हमको वहाँ 64 रिपोर्ट्स जो तैयार किए हुए थे, उसमें 59 निगेटिव और 5 रिपोर्ट ए पॉजिटिव दिए हुए थे, जिनका इन्होंने कोई भी तपास नहीं किया नहीं था, उनका स्वैब नहीं लिया था, ना सैंपल लिया था, उनको विदाउट टेस्टिंग का रिपोर्ट तैयार करके दिए थे, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में हमें इंक्वायरी में मालूम हो गए। तो हमने वो लोगों को ताबे में ले लिया। उन्होंने बताया कि वो लैब का मालिक जो महफूज आलम खान है, उसके कहने के मुताबिक उन्होंने वो बनाए हुए हैं। उसके आगे हमने उसके ऊपर कार्रवाई किया, उनको ताबे में लेके वहाँ का जो PC पे, लैपटॉप पे और मोबाइल फ़ोन पे वहाँ जो रिपोर्ट बनाते थे, वो सब हमने ताबे में ले लिया, रिपोर्ट्स ताबे में ले लिया। हमें आगे जानकारी में ऐसी मिली कि वहाँ और भी, यहाँ कोशिम भी गाँव है जो पड़गा के जुरिडिक्शन में, वहाँ के अलग अलग कंपनियाँ हैं, वो कंपनियाँ में काम करने वाले जो कामगार हैं, वो कामगारों के, असंख्य कामगारों के, अनेक कामगारों के इन्होंने स्वैब ले लिए हैं। वो स्वैब में उन्होंने 589 स्वैब्स हमें मिल गए हैं, और वहाँ उनके आधार कार्ड और ICMR के जो फॉर्म्स है, उसके ऊपर लोगों के नाम और उनकी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, वो मिले हैं। वो लोगों को ऑलरेडी इन्होंने RT-PCR के रिपोर्ट्स इन्होंने नेगेटिव बना के दे दिए हैं। जो काम कर रहे हैं लोग, जिनको मैंडेटरी है, वहाँ बंधनकारक किया हुआ है कि ये रिपोर्ट्स के बिना वो नेगेटिव रहेगा तो ही काम पे लेते हैं। जानकारी ऐसी मिली है कि ये जो इसके पहले जिनको रिपोर्ट्स दे दिए हैं, वो कई सैकड़ों में दे दिए हैं। जो लोग यहाँ से पहले कई फ्लाइट से उन्होंने प्रवास किया है, जिन्होंने रेलवे से किया है और बाकी के कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिसके अनुसार कई लोगों को इसकी जो नेगेटिव रिपोर्ट दिया है, वो पॉजिटिव होने की भी संभावना बोल सकते हैं, उसमें से दूसरे लोगों को भी इसकी लागन हुई होगी, तो वो अनुसार हम उसके ऊपर
आगे की जांच कर रहे हैं। यूनिट नंबर दो ने ऊपर सीनियर ऑफिसर्स हमारे सीपी सर हैं, जॉइंट सीपी सर हैं, एडिशनल सीपी सर हैं, डीसीपी सर हैं, एसीपी सर हैं, इन्होंने दिए गाइडेंस और डायरेक्शन के अनुसार इसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन है। ये हमारे यूनिट टू के सब इंस्पेक्टर बरकड़े साहब हैं, वो कर रहे हैं। Subscribe and press bell icon to get daily updates.